बीफ बिहारी का ऑर्डर लगा हुआ है, बड़ा जबरदस्त। वाह भाई वाह भाई, चिकन कढ़ाई के लिए यहाँ पर वो जो है वो फ्राई हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें एक और व्लॉग बनाने का मौका दिया। और आज मैं कोयला किंग्स पर ही मौजूद हूँ और फ्राइडे का दिन है, अच्छी एक्टिविटीज़ होती है, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। भाई माशाल्लाह रेशमी कढ़ाई जो है वो बन रही है, ज़बरदस्त किस्म की। वाह भाई वाह। हाजी क्या रख दिया इसमें? ये सर ब्रेन मसाला है। अरे आज भी ब्रेन मसाला है भाई। धागा कबाब लगे हुए हैं, बारबेक्यू पे लेग टिक्का लगे हुए हैं, माशाल्लाह बिहारी बोटी लगी हुई है और अफगानी बोटी। अफगानी बोटी अपनी शक्ल में आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। वाह भाई, और ये बंदा भी अपनी शक्ल में आता जा रहा है भाई माशाल्लाह। फ्राइडे की रौनक चेक करें कोयला किंग्स की। और ये हमारा कोयला किंग्स उस्ताद ने बच्चों को ट्रेन कर दिया है और उस्ताद अय्याशी करते हैं जी। माशाल्लाह अल्लाह ने ये कुर्बानी नसीब की है, बहुत मेहनत के बाद। माशाल्लाह उस्ताद आपके बच्चे भी जो है ना वो कम नहीं है, उस्ताद ही है माशाल्लाह, उनको भी ट्रेन किया हुआ माशाल्लाह। बहुत दुआ हो गया भाई। यहाँ पे निकलते हैं हम, यहाँ हमारी रौनक है, हमारी दाल निकलने वाली। वाह वाह वाह। भाई ये स्टाइल है भाई। माशाल्लाह भाई कोयला किंग्स पे तैयारी है फुल टाइम। भाई उस्ताद खुद खड़े होके बारबेक्यू बना रहे हैं, बच्चों को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। साथ का जब हाथ लगता है ना फिर जायका आता है सही। वाह 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 वाह। भाई ये टेबल्स पर जा रहा है ऑर्डर, इसमें वही मसाला है ब्रेड मसाला, इसमें वाइट रेशमी हांडी है। बीफ बिहारी का ऑर्डर लगा हुआ है, बड़ा जबरदस्त। वाह भाई वाह। भाई चेक करें आप, चपली कबाब सलाद इसका कवर्ड है, इसमें अफगानी पुलाव है, सलाद ये है, रोगनी नान है, चेहरा तो कराओ जरा, अफगानी बोटी है माशाल्लाह भाई। तीन रोगनी, तीन पूरी, जबरदस्त। बाकी चार पराठे और देख ले बस। भाई ये सारे ऑर्डर जो है वो टेबल्स पर जा रहे हैं कस्टमर्स के लिए, खाने के लिए। टेबल्स पर जो वेट हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। कोयला किंग्स पर फिश कढ़ाई बन रही है और शुरू करते हैं उसको। आज ही जो है फिश कढ़ाई बना रहे हैं, दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। हाँ जी फिश कढ़ाई बन रही है, तो मुझे ये बताएं आप, फिश जो है हमने देखा अक्सर कढ़ाई में टूट जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी मैं फिश कढ़ाई बना रहा हूँ बिल्कुल लाइव। तो कच्चे टमाटर डालूंगा उसके अंदर, तो इंशाल्लाह फिश मेरी टूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर फिश टूटी तो आज ही जो है ना काम छोड़ के टमाटर कट के बाहर चला जाएगा। हाजी ने इतनी बड़ी बात कर दी है। अब देखते हैं फिश जो है वो फिश की तैयारी है भाई। यहाँ पर इसमें टमाटर पहले बनेंगे, ये फिश इसमें ब्राउन होगी और लाइव टमाटर डालेंगे इसके अंदर, जिस तरह रेगुलर कढ़ाई बनती है या शाही कढ़ाई बनती है, इस तरह फिश को बनाएंगे। चले देखते हैं भाई। ये सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर भाई नमक और फिश, नमक डाल दिए। हमें फिश जो है वो भून चुकी है, फ्राई हो गई। अब क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? भी डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में इसके साथ हम डालेंगे कच्चे टमाटर। बिल्कुल खाली एक दफ़ा इसको जो ना थोड़ी फ्राई कर ले, भुनाई मार ले, ताकि फिश की स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। देखिए अभी तक फिश बिल्कुल साबुत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबुत ही रहेगी। ये देखिए कच्चे टमाटर बिल्कुल 2 पीस किए हुए, ये मैंने ऐड कर दिया फिश के अंदर। कुछ लोग होते हैं कि वो ग्रेवी के अंदर बनाते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी के अंदर नहीं बनाता। अभी ये टमाटर को बनाने में तो इतनी मेहनत होगी और इतना इसको भूनना पड़ेगा, तो फिश तो हलवा बन जाएगी। बिल्कुल नहीं बनेगी। ये हाजी का बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि हाजी ने जो ना काफ़ी टाइम से जो है ना ये फिश को इसी तरीके से बना रहा और अलहमदुलिल्लाह कभी आज तक कंप्लेंट नहीं है टूटने की भाई, माशाल्लाह। ये भी हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल ये ऐसे बनती है जिस तरह पिशाबी कढ़ाई यहाँ पे रेगुलर कढ़ाई। बिल्कुल ये इसी तरीके से बनती है। इसको आपके सामने मैं बना रहा हूँ और ये टमाटर आपके सामने भी मैं डाले, सब कुछ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया हुआ है। मसाले भी मैंने डाले। तो अभी इसके अंदर मैं सिर्फ कुटी हुई मिर्ची डालूंगा और हल्का सा ब्लैक पेपर डालूंगा और फिर इसको मैं थोड़ा सा भुनाई मारूंगा। भाई पेशावरी स्टाइल में जैसे कढ़ाई बनती है मटन कढ़ाई या चिकन की, उसी स्टाइल में ही फिश कढ़ाई बनती है भाई। कोयला किंग्स पर जो स्पेशल तरीके से हाजी बनाता है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा दम देंगे ताकि टमाटर अपना छिलका छोड़े। दम लगाओ। अभी इसको दम लगाते हैं। दम लगाने के बाद फिर आप से मिलते हैं दोबारा। दम लगाओ भाई, ढको हमारे सामने। ठीक, ऐसा ना हो ना आप दूसरी मछली निकाल लो, हमें बोलोगे यार। नहीं, बिल्कुल ये फिश है। इसका टमाटर का छिलका निकालते हुए मैं आपको बकायदा दिखाऊंगा। ये 2 नंबर की बिल्कुल नहीं भाई। जब तक फिश बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोटी जो एक साइज की बनाते हैं ना मटन की, देखें आप, एक निवाले में एक आती है। हाँ जी, मुझे लग रहा है टमाटर गल गए होंगे। जी, टमाटर गल गए। बस ये आपके सामने मैं ढक्कन खोल रहा हूँ इसका, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये नहीं ऑडियंस बोले भाई ये फिश जो है ना अलग लगाई और ये अलग बना रहा है हाजी, लेकिन हाजी के काम भी सीधे और बिल्कुल जो ना बात भी सीधी होती है। ये देखें सर, वाह 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 भाई। फिश अभी तक तो साबुत है। इंशाल्लाह ये एंड तक साबुत ही रहेगी, निकलने तक ये साबुत ही रहेगी इंशाल्लाह। ये देखे छिलके छोड़ दिए इसने कढ़ाई ने, जो हमने डाले थे कढ़ाई के अंदर, फिश कढ़ाई के अंदर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही है। ये नहीं हो कि आप बोलेंगे कोई चेंजिंग कर दी है। हाँ भाई, माशाल्लाह फिश के जो साइज है वो नजर आ रहा है, साबुत साबुत है अभी। काजी क्या क्या डाल दिया इसमें? कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला ये डाल दिया हाजी ने फिश में। हरी मिर्च आ गई। तो यहाँ पर फिश कढ़ाई हमारी रेडी हो गई। आप बिल्कुल देख के बताइए कैसी लग रही है। जबरदस्त लग रही है भाई, वाह वाह वाह। ये देखें सही है। ये फिश कढ़ाई चेक करें आप, ये पेशावरी स्टाइल की फिश कढ़ाई आपने खाई नहीं होगी। भाई ऑर्डर जा रहे हैं जबरदस्त किस्म के। माशाल्लाह ये जो हमने फ़िश की रेसिपी दिखाई है, हमारे कराची के बहुत ही प्यारे कस्टमर माशाल्लाह बैठे हुए हैं, ये एंजॉय भी कर रहे हैं इस फ़िश को। इनसे बात करते हैं कि ये फ़िश बेसिकली ये फ़िश जो है वो पेशावरी कढ़ाई स्टाइल में बनी हुई है, तो आपको कैसी लगी है ये? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम दानियाल है। दानियाल भाई, सबसे पहले तो आपको खाना खाते हुए हम तंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये फ्लेवर चाहिए था कि आप खाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में आया हूँ। तो बताइएगा आपको फ़िश कढ़ाई कैसी लगी? नहीं माशाल्लाह फ़िश कढ़ाई बहुत अच्छी है, आपका जो है वो अच्छी तरह पकी हुई है, वो फ़िश भी है, मसाले वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, पीसेस अच्छे हैं, कांटे वाटे कुछ नहीं है, अच्छे हैं, सर्विंग साइज सही है। अच्छा, हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने ये दावा किया था कि भाई हम पेशावरी स्टाइल में बनाएंगे और टूटेगी नहीं, क्या टूटेगी? नहीं, पीसेस हैं मुकम्मल, पीसेस में अलग अलग है, चंक्स में कटे हुए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उमैर तोहैद, और मैं स्पेशली जो आपकी फ़िश कढ़ाई है ना, ये मैंने अभी एक ट्रायल टेस्ट बेसिस पे मैंने मंगवाई। मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद मेरी टोटली चेंज हो गई कि मैंने कबाब भी ऑर्डर किया है, चपली कबाब भी, रेशमी कबाब भी और फ़िश कढ़ाई भी। पहली बात तो ये तीनों का सर्विंग साइज़ बहुत अच्छा है, पोर्शन साइज़ जिसको आप कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा है, अनलाइक अदर रेस्टोरेंट्स। दूसरा ये जो फ़िश की कढ़ाई है ना, इसकी मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ इसलिए करना चाहूँगा कि मुलायम फ़िश है, बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर फ़िश है, और टेस्ट जो है ना वो सुप्रीम है, बहुत अच्छा टेस्ट। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमें क्योंकि थोड़ा सा रश होता है, उसकी वजह से थोड़े से ऑर्डर थोड़े लेट हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा सब्र किया जाए तो चीज़ अच्छी बनती है। चलें, इसी तरीके से आप लोग खाते रहें, अल्लाह ताला आपको खिलाता पिलाता रखे, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाई चाउमीन है, बेहतरीन चाउमीन है, चिकन, वाह वाह माशाल्लाह भाई, चिकन चाउमीन ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये ऑर्डर जा रहा है। फैसल भाई माशाल्लाह थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, तो हमने देखा है फ़िश के ऑर्डर आए, जो कढ़ाई जो है वो पेशावरी स्टाइल में बनाई है और फ़िश टूटी भी नहीं, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है। तो आप मुझे बताएं कि फ़िश भरपूर तरीके से कब शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह सितंबर के स्टार्ट में शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। फ़िश प्रॉपर उसका एक काउंटर होगा, प्रॉपर उसमें सारी वैरायटीज़ होंगी फ़िश की और प्राउन्स की इंशाल्लाह ताला। ग्रिल प्राउन होगा, ग्रिल फ़िश होगी, फ़िश कढ़ाई होगी, प्राउन कढ़ाई होगी, फ्राइड फ़िश होगी, बहुत सारी इंशाल्लाह आप लोगों को सितंबर के स्टार्ट में आप लोगों को फ़िश की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमने देखा बड़ी अच्छी रेसिपी पेशावरी स्टाइल में बनाई है और जो हमें लग रहा है कि आवाम को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू भाई, साफ सुथरा गोश्त। अरे हाजी ये रान लेके कहाँ घूम रहे हो हाजी? ये सर दस्ती का ऑर्डर था मेरे पास, अभी आया नीचे बकरा वजन हो रहा था, मैं लेके आया ऊपर, तो 1.5 किलो का ऑर्डर है मेरे पास, अभी कस्टमर ने बोला था तो उसके लिए मैं ले आया। दिखाएं जरा आप हमें क्वालिटी थोड़ी सी इसकी कैसी है? क्वालिटी तो अभी ये फ्रेश आया हुआ है, अभी आप खुद देखें, अभी तक ये बिल्कुल सूखा भी नहीं है, ये उस हिसाब से मतलब अभी ये बिल्कुल तैयार फ्रेश। हाजी ये चॉप्स लग रही है क्या? ये सर चॉम्स का ऑर्डर है, तो ये हाफ के जी चॉम्स अभी मेरे पास आया, मसाला चॉम्स का ऑर्डर आया, अभी ये बना के देंगे। ये देखें नाजरीन को दिखाएं, ये फ्रेश चॉम्स, ये अंदर से भी देखें बिल्कुल अभी भी ब्लीडिंग मतलब ये भी है। अच्छा हाजी ये सारा कचरा मचरा जो है सब ये रहा ना, ये वेस्टेज है, मैं अपने सामने निकलवाता हूँ ये, ताकि ये हमारा बिल्कुल ये किसी काम का नहीं है। ये गोश्त हमारा साफ हो रहा भी है, ये गर्दन का गोश्त है, ये हमारा सीने का गोश्त आया हुआ है, ये देखें ये सीना है हमारा, अभी ये निकाल के वॉश करेंगे वीआईपी करके, देखें ये ब्लीडिंग लगी हुई है इसके ऊपर ना, तो ये निकालने के बाद इसको धोए के वीआईपी करके फिर इसका ऑर्डर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है हाजी, हमारे उस्ताद जो है वो माशाल्लाह गोश्त जो सजाते हैं ना, वाह वाह वाह, आप चेक करें जरा गोश्त, उस्ताद ऐसे बनाते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त बनाते हैं भाई। ये देखें आपको, अगर आप किसी और रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो ये आपको इतना साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा, ये सब खिला देते हैं। और उस्ताद क्यों ऐसा? बिल्कुल सब खिलाते हैं भाई, सब खिला देते हैं, हमने देखा है ये सब कुछ खिला देते हैं, आप सब खिला देते हैं, अभी बना के दिखा दो सब खिला देंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा। भाई वाकई में ये जो देख रहे हैं ना आप, देखें आप, ये देखें आप, चेक करें जरा, ये जो हमारा गोश्त है कोयला किंग्स का जो तैयार हो रहा है, इसमें थोड़ी सी भी चिकनाई और इस तरह की चीज़ जो है ना वो साथ बिल्कुल छोड़ते नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है, आप ये चेक करें ज़रा, ये अलग अलग जो है ना चॉप्स अलग रखी हुई हैं, गर्दन का अलग पीस रखा हुआ है, बाउंगी अलग रखी हुई है माशाल्लाह। क्योंकि जो बाकी के रेस्टोरेंट हैं वो तो मिक्स सब चला देते हैं भाई, मिक्स चला देते हैं सब, किसी को क्या पता लग रहा है आप क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं पकने के बाद। लेकिन भाई यहाँ पर ये गारंटी है कि आप देखें, ये देखें आप कहाँ कहाँ से जड़ों में से उस्ताद जो है वो ऐसी चीज़ें निकाल रहे हैं जो खाने की नहीं है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। वही वाली बात है, गोश्त जो है वो कोयला किंग्स का बिल्कुल मक्खन के जैसा है। ये चेक करें आप, आपको दिखाते हैं, ये देखें आप, ये गोश्त है या मक्खन है, ये देखें आप, चेक करें आप, वाह वाह वाह।